इस वक्त की खबर आ रही है जुमई जिले से। जुमई के गिंदौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गिंदौर झाझा मुख्य मार्ग पर तारडी गांव के समीप गिंदौर थाना की गश्त दल पर बालू माफिया ने अचानक हमला कर दिया एवं उसके परिजनों द्वारा अचानक पथराव की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में गश्ती दल में एक एसएसआई समेत दो जवान घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन का फायदा उठाकर गिंदौर थाना क्षेत्र के बालू के अवैध खनन करने की सूचना बार बार मिल रही थी। बालू तस्कर पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस द्वारा इलाके में सख्ती दिखाई जा रही थी और इसी मामले से भयभीत गिंदौर झाझा मुख्य में तारडी गांव के समीप पूर्व से घात लगाए स्थानीय बालू माफिया द्वारा अचानक पुलिस पेट्रोलिंग वाहन पर हमला कर पथराव शुरू कर दिया गया, जिससे गश्ती दल में शामिल एसएसआई और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी थानाध्यक्ष को दिए जाने पर उपरांत सभी घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस मामले में जमुई एसडीपीओ रामपुकार सिंह ने कहा कि बालू के अवैध चोरी करने वाले चिन्हित किए गए। जिन लोगों ने पुलिस गश्ती दल पर हमला किया है उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है, शीघ्र ही वे लोग पुलिस की पकड़ में होंगे। साथ ही एसडीपीओ ने कहा है कि उन बालू माफियों द्वारा जो अवैध बालू उत्खनन से संपत्ति अर्जित की गई है उनकी संपत्ति को भी आकलन कर जब्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। क्या जो मामला है सर उसमें क्या एक्शन लिया है? कुछ नहीं है, बालू तीन चार बालू चोर हैं जो रात में अंधेरे में बालू की चोरी करते हैं चुपके से, और उनके किया गया था थाना प्रभारी के द्वारा उसी क्षोभ में अपने परिजनों को मिल करके वो पुलिस गश्ती गाड़ी गई थी और उसमें वो पुलिस के साथ उलझने का प्रयास किए थे। पुनः आसपास के बलों के सहयोग से उनके यहाँ छापामारी किया गया, उनके विरुद्ध कांड भी अंकित किया गया है, वो सभी फरार हैं। उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी संपत्ति का भी आकलन कर रहे हैं कि बालू अवैध बालू से उनके द्वारा कितनी संपत्ति अर्जित की गई है और हम लोग उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। और सर कौन सर नामित कुछ है? वो नामित है, वो उसी गांव के हैं, एक ही परिवार के लोग हैं जो इस धंधे में सिलने। सर उसमें कुछ सिपाही भी घायल हुए हैं सुन रहे हैं उनके पथराव में घायल हुए किया गया था पुलिस बल को क्षति पहुंचाने का। हम लोग विशेष फोर्स मंगवा करके वहाँ छापामारी गिधौर थाना में और हम लोग का उस पर चिन्हित है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी किया जा रहा है। वो रात में छापामारी भी हुई थी, भागे हुए।